जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी क्रासी फेयर, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप्स हो के ठीक ठाक होंगे। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ एक पार्सल, और पार्सल की हिस्ट्री मैं आपको बता दूँ। पार्सल आया है, मुझे रिसीव हुआ है अभी। सॉरी। अच्छा, ये पार्सल मैंने ऑर्डर किया था अप्रॉक्सीमेटली एक मंथ पहले, और ये मेरा पार्सल हो गया था गुम, और मुझे लगा था आएगा नहीं। बट यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑर्डर करो आ तो जाती है, लेकिन फ़ायदा आपको उसका ये होता है कि अगर जो डिलीवरी डेट उन्होंने दी है अगर उस पर नहीं आता तो आपको 5 यूरो एक्स्ट्रा अपने कार्ड में आपको एज अ फाइन वो भेजते हैं कि हमारी तरफ से लेट हो गया। तो मेरा ये पार्सल क्योंकि फ़्लाइट में इधर उधर हो गया था तो फिर उन्होंने दोबारा से भेजा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन मुझे 5 यूरो उन्होंने एज अ बोनस सेंड किया। अच्छा, तो अब इसको खोलते हैं। अब मैं भूल चुकी हूँ कि इसमें है क्या था, बेबीज़ की कुछ चीज़ें गैस थी, तो अभी खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। मेरी भी कुछ चीज़ें पहले मुझे मेरी चीज़ नज़र आई। ओके, बेबीज़ के लिए मैंने मंगवाई थी ये, मैं अभी खोल के दिखाती हूँ। ये है एंटी लॉस ट्रैप रोप, जो कि बेबीज़ आपके घूमते नहीं हैं क्योंकि हमारे 3 बेबीज़ हैं, सो वो कहीं ना निकल जाते हैं। ये इस तरह होता है, ये आपको एक आपको पहनना पड़ता है, ठीक है, और एक बेबी के हैंड में डाल देते हैं तो बेबीज़ आपकी हद तक ही रहते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। देखो इसकी बस इतनी सी रेंज है, तो मुझे ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा, तो मैंने अपनी सहूलत के लिए बेबीज़ के लिए 3 मंगवाए हैं, तो नेक्स्ट जो है वो मैं इनको यूज़ करूँगी। सो मैं वेट कर रही थी इनका, ठीक है, ये वाला मंगवाया। और दोबारा से मैंने एक ही ऑर्डर की। अच्छा, लास्ट टाइम ना ये बेबी का पैसिफायर है, ये मैंने ऑर्डर किया था तो उसमें लिखा हुआ था पर्पल एंड ब्लू आप ऑर्डर कर सकते हो, तो मुझे लगा शायद मैंने 2 ऑर्डर्स किए हैं, बट जब वो घर आया तो वो उसी पैसिफायर के 2 कलर्स थे, तो वो एक आया था, और अब की दफ़ा भी मैंने यही किया। मुझे लगा कि मैंने फिर से 2 ही ऑर्डर किए हैं और फिर से एक ही पैसिफायर आया, क्योंकि जब एक चीज़ होती है ना बेबी उस पर लड़ते हैं, तो जब वो एक आया तो वो तीनों लड़ते थे कि हमने यूज़ करना है, क्योंकि इसमें कोई भी बेबी इसको फ्रूट्स वगैरह डाल के देती हूँ, रेप वगैरह हो गए या पीच वगैरह होगी कोई भी, तो वो शौक से जो है वो फ्रूट खा लेते हैं। तो मुझे लगा कि मैंने अब की बार भी 2 पैसिफायर मंगवाए हैं, बट फिर भी 2 कलर का है ये वाला। ये चेक करें, यहाँ पे आप ये खोल के ऐसे यहाँ पे अंदर फ्रूट डालते हो, ऐसे बंद करके बेबीज़ को देते हो, बेबीज़ खा लेते हो इजीली। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, बेबीज़ की बस ये मंगवाई थी। अच्छा, एक महीने नहीं है, ओ सॉरी, मिल गया, दूसरा मिल गया, मुझे लगा कि शायद नहीं आया, 2 आ गई हैं। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो बेबीज़ की नहीं है, वो 4 मैंने ज्वेलरी की चीज़ें मंगवाई हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ, ये एक बैग है, बहुत प्यारा क्यूट था, शायद फ्रंट कैम से नज़र नहीं आएगा ऐसे, मैं आपको दूसरी तरह से दिखाती हूँ, ठीक है। ओके जी, सो ये है वो बैग, क्यूट सा, ये चेक करें, शाइनिंग सा, कलर भी नाइस है, अच्छा एक किया है, और इसके साथ एक ज्वेलरी सेट भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। सो ज्वेलरी सेट था कुछ इस तरह का, यूनिक सा बना हुआ ये, और साथ में इसके ये मैचिंग है, जब मैं ये पहनूंगी उसके साथ फिर उस ड्रेस के साथ फिर ये ले लेंगे हम लोग। और मैंने ये वाला सेट मंगवाया था, ये चेक करें, ये पूरा 4 पीसेस का सेट था, और साथ में ये वाले इयररिंग से आज सारे मैचिंग हो गए, गोल्डन सब चीज़ें मैचिंग में। और आप सोच रहे होंगे बेबीज़ किधर है, सो बेबीज़ यहीं पे घूम रहे हैं, ये है एक अपने पैसिफायर के साथ लगा हुआ है। जी आप क्यों रो रहे हो? और साइम जो है वो खेल रहा है सामने, जी मेरे बेबी, ये साइम, ये आ गया आहिल, और ये है ताबिश। सेकेंड पार्सल हमें रिसीव हुआ था, उसमें थे बेबीज़ के 3 के शूज़, और साथ में ये सॉक्स वगैरह मैंने ऑर्डर की थी। सॉक्स तो अच्छी आई हैं, विंटर्स की मंगवाई थी, लेकिन शूज़ जो हैं वो ये वाले थे,
ये चेक करें, क्यूट से थे बहुत बने में, बट इसका एक साइज़ जो है वो बड़ा आ गया है, और अगर मैं रिटर्न करती हूँ, क्लेम करती हूँ, तो फिर काफ़ी दिन लग जाएंगे. सो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट जो विंटर है उनमें आ जाएंगे बेबीज़ को, तो रिटर्न नहीं करवाते हैं, नेक्स्ट कोई अच्छे वाले और मंगवा लेंगे बेबीज़ के लिए. तो इसको भी रख लेते हैं नेक्स्ट विंटर के लिए, है तो बहुत क्यूट बने हुए. ये चेक करें, तीनों के एक जैसे थे. और सॉक्स मैं दिखाती हूँ आपको, सॉक्स के ये वाले पेयर थे, ये भी प्यारे हैं और विंटर के हैं, थोड़े गर्म गर्म से तो बेबीज़ यूज़ करेंगे, ये अच्छे हैं. पैकेज ये था बेबीज़ के सॉक्स का, इसमें सारे वाइट, ग्रे और ब्लैक में थे, तो ये भी अच्छा है. चलो इधर इधर वीडियो में आओ ना. चलो ठीक है, ओके जी. सो हमें जो रिसीव हुआ है एक और पार्सल, थर्ड पार्सल, आहिल हैंडल गाने जाओ. आज बेबीज के साथ मैंने कहा अनबॉक्सिंग कर लूं, करने दो, ऐसे ये नहीं देंगे. अच्छा जी, थर्ड पार्सल रिसीव हुआ है बेबीज, टाटा हो गया, ठीक है, समझ आ गई, जाओ अपना खेलो, मुझे अनबॉक्सिंग करने दो, ठीक है, ओके बेबी नो. आई सदके, और टाइम आप क्या कर रहे हो, प्यारी दे दो मामा को. आई सदके. अच्छा, बेबीज की फोन से बहुत दूर हमने रखा है पैकेज, क्योंकि बेबीज जो है वो सेलफोन को छेड़ रहे थे, तो हमने बहुत दूर रख दिया, अब छेड़ नहीं सकेंगे. अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग. चलो बेबीज आज के दिन, अभी मैं खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या. यार क्या बात हुई, इन्होंने सेलफोन पकड़ना इसलिए रो रहे हैं. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मामा बाद में देगी आपको. ऊपर देखते हैं कौन कौन से ड्रेस लाए हुए. ओके जी, बिल्ली, ये देखो क्या आया, ये देखो. अच्छा जी, जो फर्स्ट जो चीज निकली है वो है ये जैकेट मंगवाई थी बेबीज की, तो ये ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ. आहिल, आहिल ये देखो आपकी जैकेट आई, वाह, ये जैकेट क्यूटी. ये होगी साइन की, साइन ही आपकी. इसको सेलफोन ही चाहिए, सेलफोन का रोना हम चाहे. ये इसमें मामा पोइम लगा के देंगे आपको, ठीक है. ये लो बेबी, बेबी देखो इसके अंदर, वाह ये देखो बेबी, ठीक है. बाकी दोनों जो हैं वो अपनी जैकेट्स लेके बैठ गए. साइन ये, ताबिश इधर आओ, इधर आ जाओ जी मेरे बेटे को. क्या मसला हुआ, क्या बात. अच्छा अच्छा, ये देखो कितनी प्यारा डॉगी है, ठीक है, ये देखो, ये देखो. अच्छा सेकंड जो था वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी एक हुडी थी आई गेस, कहाँ से खुलता है. अच्छा वाओ, ये चेक करें क्यूटीज, ये आ गए इनके. अभी मैंने विंटर्स के जो ड्रेसेस हैं वो मंगवाए हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गया, और अभी सारे जो समर के क्लोज हैं वो उठा के अब रखेंगे बैग के अंदर, और ये वाले सारे जो क्लोज हैं वो हम वार्डरोब सेट करेंगे अभी थोड़ी देर में. सो ये चेक करें, अब इसी आपके लिए. शाबाश, इसको बहुत खुशी होती है, इसको भी, इनको भी, अपने ड्रेसेस देख के. साइन ये आपके लिए, ये और आहिल का किधर गया. चलो अभी देखते हैं थर्ड वाला किधर है. अच्छा नेक्स्ट जो मंगवाया था वो है ये चेक करें, ये क्यूटी सा, वाओ. ये मैं फ्रंट कैम से भी आपको दिखाऊंगी, इधर से शायद दूर से इतना ज्यादा सही नजर नहीं आ रहा होगा, फिर मैं फ्रंट कैम से सारी चीजें आपको दिखाऊंगी दोबारा से. अच्छा ये भी थर्ड जो है, ये भी दे लो, ये भी आपका, अच्छा है ना ये. अच्छा जो लोग कह रहे थे कि बेबीज की ओरिजिनल वॉइस लगाएं, वो आज बेबीज की वॉइस सुन लो, देखिए कितना तंग करते हैं. किसी ना किसी बेबी का मूड ऑफ होता है, आज आहिल का मूड ऑफ है, इसको वही सेलफोन चाहिए. अच्छा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ड्रेस है ये है टू पीस, ये इसका आ गया ट्राउजर, एंड ये इसकी बेबी,
ये आगे इसकी शर्ट, शर्ट पे मिकी माउस बना हुआ है, क्यूट। यस बेबी। अच्छा नेक्स्ट जो है क्या बेबी? अच्छा नेक्स्ट जो ड्रेस है वो है ये भी बहुत क्यूट है, ये मसरूफ हुए बैठे हैं, जैसे इनको बहुत ज़्यादा काम है। सारी अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है, अभी मैं फ्रंट कैम से आपको दिखाती हूँ क्लियर। और हाँ जी, ये मेरा जो कवर्स है ये उठा के घूम रहे, बाहर नहीं गिरा के आना, ठीक है? साइम आप क्या कर रहे हो? साइम क्या कर रहे हो आप? चलो खेल लो आहिल, अभी मैं इनको बाहर भेज के फिर आपको फ्रंट कैम से सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और ये रहा कवर, बस क्या हो गया अब, क्या मामा क्या करे, मामा क्या करे अपने बेटे के लिए, क्या करे ऐसे फजूल बातों पे रोना है। जैकेट जो हैं वो मैंने ओपन किया, वो ये हैं ये ब्लू कलर में, और अंदर से भी जो है वो काफ़ी गर्म सी हैं, और ऊपर से ऐसे कैटो वाला ये बना हुआ। सेकंड जो ड्रेस था वो है ये ब्लैक कलर में, आई लव पापा लिखा हुआ है, हुडी बनी हुई है, और साथ में ये तीनों के एक जैसे हैं, तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, यूज़ करके फिर देखेंगे। ओके नेक्स्ट जो है वो है ये भी हुडी है, तीनों की एक जैसी। नेक्स्ट जो है वो ये है, सारे जो हैं विंटर्स के ड्रेसेस मैंने मंगवाए हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है,
तो बेबीज के यूज में आएंगे ये से। नेक्स्ट वन है ये कोड सेट और ये भी क्यूट सा है, ये चेक करें। अच्छा नेक्स्ट है ये ब्लू में, और अभी इस वाले पार्सल में ज़्यादा जैकेट्स वगैरह आई हैं। नेक्स्ट पार्सल में मैंने जो है वो ड्रेसेस वगैरह मंगवाए हैं, वो भी रिसीव नहीं हुआ, फिर जब आएगा फिर मैं दिखाऊंगी आपको। सो अच्छा जी नेक्स्ट है ये क्यूट सा निकी बना हुआ है, इसके ऊपर इस जो ड्रेस है ये थ्री पीस था, नीचे इसकी ये वाइट शर्ट है और साथ में ऊपर ये हुडी और साथ में ये ट्राउज़र, क्यूट सा बना हुआ था ये। तो ये बेबीज़ की जो है मैंने बॉडीज़ मंगवाई थी, ऊपर से हाई नेक टाइप बनी हुई है और नीचे से जो है ये चेक करेंगे बॉडीज़ बनी हुई है, तो विंटर्स में ये काफ़ी यूज़ होती हैं। ये वाले जो हैं ये मैंने अपने स्लीपर मंगवाए थे, ये चेक करें क्यूट क्यूट से हैं दोनों। तो ये मैंने 15 प्रो के जो है वो कवर्स मंगवाए थे, ये चेक करें, ये क्यूट से जो है वो रिंग थी और साथ में इयर रिंग्स हैं और साथ में ये नेकलेस क्यूट सा। और एक ये थी, ये सीप बनी हुई है, ये ऐसे बंद भी हो जाती है और ऐसे ओपन भी हो जाती है, ये चेक करें क्यूट सी। अच्छा जी तो मेरी अनबॉक्सिंग हो गई है ख़त्म और बाहर का वेदर चेक करें कितना खूबसूरत हुआ हुआ है और आसमान इतना प्यारा हुआ हुआ है, कलरफुल सा, और इटली का वेदर जो है माशाल्लाह आजकल बहुत प्यारा हो रहा है। और चलें अपने व्लॉग को अब करते हैं यहीं पे ख़त्म और इसी अच्छे नोट के साथ चलें फिर किसी और दिन मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।